सो भाई साहब, हम आ चुके हैं वापस एक अपडेट से एक नए एपिसोड के साथ। बेसिकली मैं बैक टू बैक वीडियोस बना रहा हूँ। सो अगर मेरी 50,000 की बेल्ट के कपड़े और मेरे हुलिया सेम लगे विद द 30,000 ऑफ बेल्ट आज का जो एपिसोड है, तो समझ लेना कि वीडियो बैक टू बैक बनी है, क्योंकि हम हो जाते हैं एकदम से गायब। तो अगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई जादूगर बन जाऊँ, काला जादू करके गायब हो जाऊँ, सो इसलिए ज़रूरी है कि हम बैक टू बैक वीडियोज़ बना लें। सो भाई साहब, आज हम करेंगे 30,000 की बिल्ड और मैं यही ट्राई करूँगा कि यार अच्छे से अच्छे कॉम्पोनेंट्स यूज़ करें जिसके अंदर कि ग्राफिक कार्ड बाद में अपग्रेड कर सकें लेकिन बाकी कंपोनेंट्स को छेड़ना ना पड़े। सो आज का एपिसोड होगा भाई 30,000 की बिल्ड के ऊपर। ये टोटली रैंडम बिल्ड है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो मैं हूँ आपका होस्ट अरहम रसूल, ज़्यादा बकबक नहीं करता, लो FPS डूडू ना, क्या करें। सो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं एज आई एम योर होस्ट अरहम रसूल, लेट्स बिगिन। सो भाई साहब, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद मैं सबसे पहले अपना ब्राउजर खोल लेता हूँ। मैंने पहले से चीज़ें खोल के रखी हुई थी, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, समझदार हूँ भाई मैं। सो भाई साहब, आज हम प्रोसेसर यूज़ करें वो है कोर i5 4570 फोर्थ जेन प्रोसेसर। और अगर हम इसकी बात की जाए तो बेस हमारी फ्रीक्वेंसी आती है 3.2 की, एंड अल्ट्रा बूस्ट अगर हम इसको मैक्स टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसकी 3.6 की है, जो कि मोर देन इनफ है। बट अगर यहाँ पे कोर और थ्रेड्स की बात की जाए तो 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर ही है। और अगर आपकी इस प्राइस रेंज की बात की जाए तो अराउंड ये इस टाइम 7,000 रुपीज़ का आपको मिल जाना चाहिए। 6,000 6,500 से 7,000 या 8,000 इसी अराउंड है इसकी प्राइस इस टाइम मार्केट के अंदर। बट ऑब्वियसली अगर आप पूरी बिल्ड बनवाएंगे तो आपको थोड़ा सस्ता ही पड़ सकता ही है। अब हम आ जाते हैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड की बात की जाए तो मदरबोर्ड हम आज यूज़ करें H81। H81 कोई लाजमी नहीं है, आप कोई और यानी ब्रांड लाजमी नहीं है, मदरबोर्ड H81 ही होना चाहिए। ये ना कि थर्ड जन में आप फोर्थ जन का प्रोसेसर लगाएं और बस अल्लाह को प्यारा हो गया प्रोसेसर। सो आज हम यूज़ करें H81। आप कोई भी गीगाबाइट का MSI का किसी का भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, बट देखिएगा कि H81 हो, 4G की सपोर्ट हो, डैट सेट, ये हमारी बिल्ड के अंदर लगा कर ही आएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी रैम के ऊपर। रैम आप कोई भी DDR3 8GB की ले सकते हैं। इस टाइम इसकी जो प्राइस है 4,000 चल रही है दो स्टैक्स की 4-4GB वाले, तो आप ले सकते हैं। यानी कोई भी आप इसके अंदर रैम ले लें कोई ब्रांड का, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जस्ट गो विद DDR3। 4 भी कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन कि यार हमारे पास बोर्ड कौन सा है, बोर्ड सपोर्ट करता है या नहीं करता, और प्रोसेसर हम कौन सा ले रहे हैं। सो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा गो विद DDR3, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा कमज़ोर है इसलिए। सो अगर हम बात करें सर यहाँ पे अपनी स्टोरेज के ऊपर, तो स्टोरेज के ऊपर अब हम आ जाते हैं। स्टोरेज यार आपने लेनी 5GB की हार्ड ड्राइव। करंटली इसकी प्राइस 1,800 1,600 2,000 इसी के अराउंड है। अभी करंट मुझे प्राइस इसका इतना आइडिया नहीं, बिकॉज मैं एक पूरी बिल्ड को लेकर आया हूँ आपके सामने कि पूरी बिल्ड होगी उसके अंदर ग्राफिक कार्ड एक्सक्लूडिंग होगा, डैट सेट। सो आपने जस्ट लेना है। इधर मैं अगर OLX की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 500GB की हार्ड ड्राइव देखते हैं 2,000 रुपये की मिल रही हैं, 2,500 यानी इसी के अराउंड 2,000 के अराउंड स्क्रैम्बल करती है इसकी प्राइस 1,600 रुपये, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो ये आपको अराउंड 1,600 रुपये की मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम इसकी पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई हमें वही यूज़ करनी है 300 वाट की, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो केसिंग के अंदर लगा कर ही आएगी, और केसिंग आपकी सादी होगी, कोई 8G बत्तियाँ छतियाँ नहीं होंगी अनफॉर्चुनेटली। सो अगर मैं ग्राफिक कार्ड पर जाने से पहले आपको सारा गो थ्रू दे दूँ कि वी आर यूजिंग i5 4G 4570 विद एन H81 पेयरिंग, DDR3 की 8GB ऑफ रैम, 500GB ऑफ हार्ड, उसका 300 वाट की पावर सप्लाई, एंड एट द एंड हम आ जाते हैं अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड बेसिकली मैं अपनी जो पहली वाली बिल्ड है उसके अंदर भी यही यूज़ कर रहा था, बट ऑब्वियसली मैंने चाहा कि यार फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए कि i5 4G काफ़ी लंबे अरसे तक आपका काम निकाल जाएगा। अपग्रेड करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, यार ये बेच के अगला ले लिया, उससे बेच के अगला ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ग्राफिक कार्ड जो हम यूज़ करें वो AMD Radeon R7 470X, जो कि भाई साहब हमें यहाँ पे मिलता है 320 कोर्स का DDR3 का है। सो बेसिकली जो हमें मिलते हैं यहाँ पे DDR3 के साथ 128 bit और 2GB ऑफ VRAM, जो कि आई थिंक ठीक है, चला देगा। जैसे कि वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है 1366x768 768p तक 720p तक गेमिंग आपकी करा देगा, बट पेयरिंग अप विद द प्रोसेसर सो आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी इन द लो बजट। सो नो डाउट मैंने तो ट्राई यही कर रहा हूँ कि यार आपका एक ऐसी बिल्ड बन जाए जिसके अंदर आपको कोई भी फ्यूचर के अंदर इशू ना हो, यानी ऐसा भी कोई सीन ना हो कि आपको यार प्रोसेसर गंदा ले लिया है और साथ ही साथ हमारा ग्राफिक कार्ड भी थका हुआ है और अब भाई तो लंबा ही खर्चा नहीं। जस्ट गो एंड चेंज योर ग्राफिक कार्ड वेन एवर यू कैन, बिकॉज 30,000 रुपये करंटली बहुत ज़्यादा लो बजट है और आई डोंट थिंक सो कोई भी बना कर देगा। करंटली जो प्राइजेज है मैंने हाल रोड से ली है लाहौर में। सो बेसिकली ये 62 कंप्यूटर्स की है बिल्ड, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, बट स्टिल द थिंग इज अगर आप चाहते हैं हाँ भाई जल्दी से मैं जाऊँ तो या यू कैन ग्रैब दैट दिस PC फ्रॉम 62 कंप्यूटर्स, जो कि मैंने रेट इस टाइम लिए हैं। ओवरऑल मैंने सारे का सारा कंपेयर अप किया, बट इसके अराउंड यानी ये जो बिल्ड है आपको अराउंड
35,000 के अंदर अंदर पड़ेगी, 30,000, 31,000, 30 इसके अराउंड पड़ेगी। सो यहाँ से हमारा कैमरा माशाल्लाह डेड हो गया बैटरी की वजह से, तो मैं अपने डायलॉग्स को पूरा नहीं कर पाया, माजरत। सो मतलब ये मैं जो बिल्ड आपको बता रहा हूँ कि मैंने जैसा आपको बताया कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे कि मैं बना कर दूँ आपको बिल्ड तो मैं भी बना दूंगा, कोई इशूज़ नहीं है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब लाजमी दूंगा। सो मुझे दीजिए इजाज़त, एज आई एम योर होस्ट मसूल, एयर आउट।